The mountains of Pakistan have always called out to me. These days I'm giving in. I'm following that path. My name is Niall Muinuddin. I'm a wildlife filmmaker for WWF Pakistan. And on this assignment, I am traveling to the Upper Hunza Valley to understand how WWF and local communities are working to protect the wildlife of this region. To do this, I'm going to link up with a local wildlife photographer, Imtiaz, who for over a decade has been photographing ibex, snow leopards, and other wildlife, trying to raise awareness within his own community about the importance to protect the natural treasures of these mountains. जब मैं लोगों के दरमियान होता हूं तो मैं अनसेफ फील करता हूं अपने आप को पहाड़ की तरफ जाना शुरू करता हूं तो ये मेरा घर है मैं वहां पे बहुत रिलैक्स होता हूं और खुश रहता हूं मैं कई दिन पहाड़ों में रहता हूं वाइल्ड लाइफ मुझे मिल जाए ना तो वो मेरा खूबसूरत दिन हो जाता है टारगेट अगर हमें आइबेक्स मिलता है हम उसकी फिल्म बनाएंगे पोर्ट्रेट हमें मिल सकता है गोल्डन ईगल मिल सकता है अगर हम किस्मत वाले हैं Hopefully we have a lucky day. It's all about luck. It's all about patience. है कि नहीं भाई वाइल्ड लाइफ के अंदर सब्र सबसे पहली चीज है और हमने मौसम की सख्तियों को और पास्ट कंडीशंस को बिल्कुल नहीं देखना है हमें फोकस करना है The presence of ibex would be a good sign for the overall health of the local ecosystem. Finding a large group of ibex would hint to the presence of large predators such as snow leopards, lynx and wolves. मुझे कुछ ibex के पांव के निशान नजर आ रहे हैं छोटे बच्चे हैं जो कि यहां से उतर के फिर गए हैं नीचे और पानी पीने के लिए उतरे हैं. We have this incredible glacier here which is in some ways the life source of Pakistan's vast irrigation system. The beginnings of everything that happens down in the Punjab and onward. All the agriculture and all of the greenery through the Indus Valley. This is where it starts. बस इधर आके सारी थकावट दूर हो जाती है मेरी तो आगे आप क्या इमेजिन कर सकते हैं चलें देखते हैं अभी मैंने कोई पत्थर गिरने की आवाज़ सुनी है तो थोड़ा सा स्कैन करते हैं एरिया को और देखते हैं कि कुछ मिलता कि नहीं मिलता शौक कहाँ से पैदा हुआ तो बचपन में जो स्टोरी सुनते थे हम अपने वालिदैन से पहाड़ों में आइबेक्स होता है स्नो लेपर्ड होता है मारखोर होता है मेरे दिल में एक तजस्सुस पैदा हुई कि मैं इन पहाड़ों में चक्कर लगाऊं बड़े सवाल थे जिनके हमें जवाब ढूंढने थे वाइल्ड लाइफ कैसे हैं वो क्या खाते हैं वो क्या करते हैं उसी तजस्सुस ने फिर मुझे फिल्म मेकिंग की तरफ रागिब किया कल शाम को हमने एक ग्रुप देखा था जिसमें तकरीबन कोई 15 से 20 आइबेक्स फीमेल और छोटे बच्चे थे वो पानी पी के फिर इस रिज पे निकले थे आज हमारी किस्मत ही थी साथ नहीं दी हमारी और बस हमने कुछ ग्लेशियर की अच्छी फुटेज उतारे और अभी जा रहे हैं लेकिन उम्मीद का दामन आप थामे रहें क्योंकि हमारे पास अभी भी बहुत टाइम है और हम इसी आइबेक्स के एरिया में मौजूद हैं Imtiaz spotted a group of ibex, so we pulled off the road. So we spotted a big group of ibex here. We're going to start approaching.
Across the road we are counting them to 20, but here is 50 plus. अभी ये सारे फीमेल हैं और इस साल के छोटे छोटे बच्चे हैं इनके साथ, मेल्स फीमेल्स के साथ 21 दिसंबर तक रहते हैं, फिर दोबारा से सेपरेट होके वो अलग पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं और हायर एलिवेशन में वो जाके बैठ जाते हैं। As Imtiaz and I are busy working up on the cliffs, a group of community wildlife guards come to meet the rest of our WWF team waiting for us in the valley to find out who we are and what we are doing. मेरा नाम दीदार अली है, मैं खैबर विलेजर हूँ। तो हमारे यहाँ पे कंजर्वेशन एरिया है, तो हमें अभी पता चला कि हमारे एरिया में कोई लोग आए हुए कोई देखने, तो हमें नहीं पता कि हमें ऐसा लगा कोई गैर कानूनी शिकार करने आए एरिया में, ऐसी गाड़ी रुकी है, तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन है। हम इसको अभी आइबेक्स पार्क बनाना चाह रहे हैं कि यहाँ से हमारी कम्युनिटी के लिए कोई फ़ायदा हो। The responsibility these watchers are taking is an encouraging sign for the protection of this habitat and species. For it is through these many local initiatives, from community wildlife guards to wildlife photographers, that this place can be truly protected. Meri koshish ye hai ki camera ke lens ke zariye main logon ko awareness do, in khoobsurat janwaron ke bare mein bata dun ki ye kis tarah hum inko mazid bacha sakte hain. अगर छोटी भी गलती करता है तो उसकी जान चली जाती है, तो मैं इन चीज़ों को बहुत ही रिगार्ड करता हूं और मुझे मज़ा आता है उनको देखना और उनसे सीखना। छोटा सरदार, बड़े सरदार ऊपर होते हैं। इतनी खूबसूरत चीज़ें यहां पे हैं नर्दन एरियाज के अंदर, पहाड़ हैं, वाइल्ड लाइफ है, क्यों हम शहरों में जाके अपना आप टाइम ज़ाया करें? थोड़ा सा टाइम वाइल्ड के साथ बैठ के थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, तो वो फिर मेरे लिए बहुत ही मानी रखता है। मैं यही पैगाम दूंगा कि कुदरत के बनाए हुए इन खूबसूरत जानवरों को जितना बचा सकते हैं आप कोशिश करके इनको बचाएं, ताकि हमारी नस्लें इनको देख सकें। हमारी जिम्मेदारी ये है कि ये तोहफा इसी तरह हम अपने बच्चों को दे सकें और वो यहाँ आके इन खूबसूरत पहाड़ों के अंदर इन खूबसूरत जानवरों को खुद अपनी आंखों से देख सकें। Through this journey, we learned that the WWF's long-standing efforts to build community partnerships have slowly paid off. Ibex populations here continue to grow, and an ecological balance between humans and the wildlife of this area is now within sight.